हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जंप सूट, जिसे डांगड़ी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा 1 मीटर से थोड़ा सा अधिक कपड़ा है, ज़्यादा नहीं है, और इसे 2 लेयर में रखेंगे इस तरीके से, और फिर इसे फुल लेयर में करेंगे। अब देखिए, 2 लेयर में कर लिया, अब इसे इस तरीके से फुल लेयर में करेंगे। बिल्कुल एकसार कर लेंगे इसको यहाँ से। और आप इसकी जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। यहां से देखिए, मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 24 इंच। इसे यहां से पहले बिल्कुल एक स्टार करके कट कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हमें यहाँ से नाप लेना है इसका, ऊपर से कमर का। तो यहाँ से मैं रखूंगी 6 इंच, और 6 में 1 इंच और हमें लेना है लूजिंग के लिए, जो हमारे छोटे से पर प्लेटें आती है, 7 इंच, इतना यहाँ से लेंगे इसे, 7 इंच। और यहाँ से नीचे से भी हम इसे 7 इंच ही लेंगे। जितना हम ऊपर से लेते हैं उतना ही इसका आसन लेते हैं। और इसे देखिए इस तरीके से राउंड शेप कर लेंगे, और हल्का सा यहां से भी हमें इस तरीके से शेप देनी है। अब देखिए, इसी तरीके से इसे कट करेंगे यहां से। और ये यहाँ से बंद है, इसको भी कट कर लेंगे। ये हमारी पूरी बंद की साइड है, ये हमारी खुले की साइड थी। और अब इसकी बेल्ट कट करेंगे। ये देखिए, ज्यादा था, हमने थोड़ा सा इसे ऐसे कर लिया है, और यहां से बिल्कुल बराबर रख लेंगे इतना। और जितनी आपको बेल्ट रखनी है उस हिसाब से रखें। हम इसकी 6 इंच लेंगे बेल्ट, और 1 इंच थोड़ा सिलाई में जाएगा उसके लिए, तो यहां से भी ये 7 इंच लेंगे। इसे यहां से कट कर देंगे। ये इसकी बेल्ट कट हो चुकी है, और ये भी बहुत सिंपल है इसको सिलना। ये देखिए इस तरीके से ये आएगी। और इसके सबसे पहले हमें ये दोनों आसन सिलने हैं इस तरीके से। दोनों आसन को इस तरीके से सिल लेंगे, और ये इसकी बेल्ट इसके ऊपर जब सिलेंगे जब बताएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें इन जगहों को ही सिलना है। तरीके से दूसरी साइड से भी सिल लेंगे। अभी दोनों आसन सिल लिए हैं, इसके बाद में ये हमें इस तरीके से रखना है, और इसकी ये नीचे से फिटिंग करेंगे। देखिए, इसमें नीचे किनारी आई हुई है, इसके ऊपर बाद में लेस लगा लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही भी फोल्ड कर सकते हैं, और अब इसे हम यहाँ से नीचे से फिटिंग करेंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर तक हमें सिल के लेके जाना है। देखिए, इसको हमने सिल लिया है, और इसके बाद इसे सीधा करेंगे। अब देखिए, बेल्ट को हमें सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करना है।
ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से भी फोल्ड करना है। और देखिए एक तरफ से जो हमारी ऊपर वाली साइड आएगी वहां से भी इसी तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। पहला फोल्ड भी हमने हाफ इंच पे लिया है, दूसरा फोल्ड भी हम हाफ इंच पर ही लेंगे। इसको पूरे को इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। हमने ऊपर से फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। इसमें जॉइंट होगा तो जॉइंट हमें ये साइड से करना है। इस तरीके से पहले इसे अच्छे से नाप लेंगे और इसका बिल्कुल बीच सेंटर निकालेंगे, ये पार्ट वाली साइड का। ये तो आसन हो गया हमारे, और एक साइड कोई सी भी साइड आप ले सकती हैं। यहाँ पर हल्का सा छोटा सा कट लगा लेंगे और यहाँ से अब हमें ये सिलनी है। इस जगह से इसकी शुरुआत करनी है सिलने की। इसी तरीके से हमें पूरे में सिलना है। देखिए हल्की सी इसके ऊपर चढ़ा के आई है। इसमें हुक या आई आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर जिप भी लगा सकते हो। इसे पक्का कर लेंगे। अब देखिए जो इसमें से स्टिक बची थी वो वाली, ये इस तरीके से इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और इसे इस तरीके से सिल लेंगे। और इसकी जो लंबाई रखी है हमने वो 22 इंच की, एक पट्टी की लंबाई है वो 22 इंच की है। और इस तरीके से हमें चार स्ट्रिप बनानी है। तरीके से पूरे स्ट्रिप सिल लेंगे। अभी देखिए इस तरीके से इसे बना लिया है। और इसके बाद इसमें जो स्ट्रिप लगानी है वो देखिए इसमें बीच सेंटर से निशान लगाएंगे। सबसे पहले ये देखिए इसका ये बीच सेंटर है यहाँ पर, तो बीच सेंटर से हमें 2 इंच इधर लेना है और 2 इंच इधर लेना है। ये स्ट्रिप इन जगहों पर लगानी है। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से सिलनी है ऐसे, और इसी तरीके से हमें ये बैक पीस में सिलनी है। अब देखिए इसे यहाँ पर रख के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इसे पत्ते करके सिलाई लगानी है। इसी तरीके से देखिए हमें दूसरी भी लगानी है। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से दूसरे पीस में भी लगाएंगे, जैसे हमने निशान लगाया है और ये दोनों को जोड़ा है। इसी तरीके से हम इधर भी लगा लेंगे। अभी देखिए पूरे डांगे हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको चाहे तो इस तरीके से यहाँ पर पहनने के बाद में इस तरीके से नॉट की तरह भी इसकी नॉट लगा लेंगे। इसे देखिए बनके पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।